प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ इस शरीर में यदि किसी को स्त्री की या पुरुष की वासना रह जाए तो क्या उसे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है? माँ, वासना पूर्ण करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। शास्त्र में क्या लिखा है तुम जानो, प्रेत लोकों के जैसे कर्म करोगे तो प्रेत लोक में जाना पड़ेगा, जैसी वासना वैसा जन्म होगा। प्रश्न करता, माँ सुना है कि यदि किसी को धन की वासना रह जाए तो सर्प योनि मिलती है। माँ, पूर्व पूर्व जन्मों की वासनाओं के कारण मनुष्य शरीर मिलता है, इस मनुष्य शरीर में ही भगवत प्राप्ति करने की शक्ति है। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म मिलेगा, सर्प योनि में जाने लायक कर्म करने से सर्प शरीर मिलता है। भगवान के राज्य में सब कर्मों का न्याय पूर्वक विचार होकर जन्म मिलता है, मृत्यु के समय जैसी भावना होगी वैसा शरीर मिलेगा, कर्म संस्कार से भी जन्म मिलता है। गुरु शक्ति रूप अग्नि जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भी जला सकती है। जब तक ज्ञान अग्नि से वासनाओं को जलाया ना जाए या भक्ति से गलाया ना जाए तब तक कर्म संस्कार तो रहेगा ही। मृत्यु के समय यदि भगवत स्मरण हो जाए तो भगवत प्राप्ति होती है, अंतिम समय में जैसा भाव रहेगा वैसी गति होगी। जन्म भर खराब काम करोगे तो अंतिम समय में अच्छी वासनाएं कैसे आएंगी? ऐसा भी हो सकता है कि सारा जीवन खराब काम किया किंतु गुप्त संचित अच्छी वासना से ठीक मृत्यु समय में वृत्ति बदल जाती है। प्रश्न करता, माँ आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? माँ, जो आनंद है वही परमानंद है, आत्मा माने ही परमात्मा। प्रश्न करता, माँ आत्मा और परमात्मा क्या एक ही है? माँ, इस संबंध में एक प्रसिद्ध बात है, यत्र जीव तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी, बस यही बात ठीक है, आत्मा ही परमात्मा है। जैसे पानी होता है ना, एक है शुद्ध जल और दूसरा है गंदा जल, जल तो दोनों में एक ही है, दोनों जल का मूल तत्व तो एक ही है। शुद्ध जल पीने से आराम मिलता है, गंदा जल को फिल्टर करो, छानो, उबालो, गंदा जल शुद्ध जल बन जाएगा। जहां बंद होता है वहां जल में कीड़ा पड़ता है, जीव से जीव उत्पन्न होता है, गंदा जल है जीवात्मा। भगवत भजन से शुद्ध होने पर वही परमात्मा स्वरूप बन जाता है, इसलिए भगवान ही परम आत्मा है। जो बंधन में है वही जीव है, जहां बंधन है वहां दुख है। जीव को आत्मा द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार द्वारा विशुद्ध करके परमात्मा रूप बनाओ, मूल बात जल को फिल्टर करने की है। प्रश्न करता, माँ फिल्टर कैसे किया जाए? माँ, यदि फिल्टर करना है तो गुरु के पास जाओ। प्रश्न करता, गुरु को कहाँ और कैसे ढूंढें? माँ, सब कोई को भगवान को खोजने की इच्छा जागृत नहीं होती, इच्छा जागृत हुई है तो मिलेंगे भी। अपने भीतर ही भगवान को प्राप्त करने की भावना जगनी चाहिए, राम की कृपा से सब संभव है। प्रश्न करता, माँ ईश्वर एक पर कृपा करता है और दूसरे पर क्यों नहीं करता? माँ, अरे उसके पास एक और दूसरा है ही नहीं। प्रश्न करता, राम की कृपा कैसे हो? माँ, भगवान की कृपा सब पर है, भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। जैसे माँ अपने छोटे बच्चों को आवश्यकता अनुसार देती है, छोटे शिशु को सिर्फ दूध पिलाती है और बड़े लड़के को लड्डू खिलाती है, बच्चे की पाचन शक्ति के अनुसार खिलाती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त की अवस्था अनुसार उन पर कृपा करते हैं। सब कुछ उनका ही है, संसार में सारा परिवार भगवान का ही है,
हाथ से काम करते रहो और मुख मन से भगवान का नाम लेते रहो। राम का खूब नाम लो, राम ही कर्म कराता है। कर्म क्षय करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेकर आगे चलो। प्रश्न करता, माँ गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब असुरों के विनाश और सत्पुरुषों की रक्षा तथा धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। आप माँ हैं, स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, आपके आदेश से धर्म की स्थापना हो सकती है, आप कर सकती हैं। माँ, भगवान ही परम पिता परम माता है, आपका भी एक भगवान का ही रूप है। सिर्फ आप ही तो हैं, यह शरीर तो छोटी सी बच्ची है, इस शरीर को तो सेवा भी नहीं आती है। तुम यदि इस शरीर से सेवा करा सको तो कराओ। प्रश्न करता, माँ कोई कोई कहता है कि भगवान ने हमको प्रेरणा दी, यह बात क्या सत्य है? माँ, भगवान के राज्य में असत्य का स्थान है ही नहीं। भगवान जिसको जो प्रेरणा देते हैं वह होकर रहता है। भगवत प्रेरणा यदि सच्ची हो तो काम होकर ही रहेगा। किसी किसी को ऐसी प्रेरणा होने की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, जैसे किसी जगह पर आग जलने से वहां पर पीछे कुछ चिन्ह रह जाता है, वैसे ही यथार्थ भगवत प्रेरणा होने से कुछ चिन्ह रह जाता है, वहां असत्य का स्थान ही नहीं है। प्रश्न करता, माँ वासना मनुष्य योनि की हो पर जाना पड़े पशु योनि में, तो पशु शरीर में जाकर मनुष्य शरीर की वासना की पूर्ति कैसे होती है? माँ, कर्म फल भोग के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, सब भोग शरीर से भोगना पड़ता है, जन्म मात्र भोग के लिए ही है। भोग वासना ना हो तो अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। सर्प पशु पक्षी आदि भोग योनियों में भोग का क्षय होता है। अमृत की प्राप्ति के लिए मृत्यु पर विजय पानी होगी, मृत्यु की भी मृत्यु करना पड़ेगी। ऐसा करो कि मृत्यु की भी मृत्यु होकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। प्रश्न करता, माँ पशु योनि में भोग कैसे भोगा जाता है? माँ, पशु योनि में भी भोग भोगना पड़ता है, सुख दुख के रूप में। भोग योनि है ना, मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस जन्म में ही यह शरीर रहते रहते ही भगवत प्राप्ति करने की चेष्टा कर्तव्य है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले कर्मों को मत करो। यह मनुष्य शरीर तो अमृत तत्व को ग्रहण करने का पात्र है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।